गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। द थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो पिछले 1000 सालों का जब हम हिस्ट्री को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी विटनेसेस हैं। ये एक सबूत है रिलीजियस ट्रेडिशंस में डेवलपमेंट्स होने के। लोगों के विश्वास एक सामूहिक रूप ले रहे हैं, कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन, धर्म के ऊपर। जैसे कि उनका विश्वास बढ़ रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। और इसी दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं यहाँ पर आए, जिन्हें हम हिंदुइज्म कहते हैं, आजकल हिंदुत्व का नाम दिया जाता है। जैसे these include the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of brahman priest dominant groups in the society। जिसमें मुख्य क्या है, देवी देवताओं की पूजा, नए मंदिर बनाना, जो अमीर लोग होते थे वो मंदिर बनवाते थे, और ब्राह्मण या पुजारी जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ना, उनका मान सम्मान बढ़ना। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो संस्कृत की वजह से इनका मान सम्मान बढ़ रहा है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। तो भक्ति का प्रसार हो रहा है, ये इस समय की सबसे बड़ी घटनाक्रम है, डेवलपमेंट है जो यहाँ पर। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और ये एक ऐसा समय था जब नए धर्म सामने आए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th century। अब 7वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, कुरान जो है वो सामने आई, उसको पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, उसका गुणगान करना शुरू किया। मुस्लिम रिगार्ड कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरन ऑफ द वन गॉड अल्लाह, हुज लव मर्सी एंड बाउंस एम्बार्स ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। और सभी लोग उसमें क्या विश्वास करते हैं कि वही अल्लाह है, वही हमारा जो है एक भगवान जो है। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न्ड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। तो काफ़ी सारे रूलर्स जो हैं वो इस्लाम और उलामा के साथ जो हैं जुड़े। देवर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेगिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो इसको अपना नेता मान रहे हैं अब। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। और सुन्नी मुसलमान जो हैं इन्होंने क्या किया, खलीफाज को अपना जो है संचालक मान लिया कि हम इनकी बातों का फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्ट्रीज डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर डे और ईयर्स, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। तो इतिहास जो है ना वो क्या देखते हैं, हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, हिस्टोरियंस जो हैं, वो सिर्फ समय को नहीं देख रहे कि घड़ी कैलेंडर के साथ नहीं चल रहे, बल्कि वो क्या देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या चेंजेस लेकर के आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या आए हैं आइडियाज़ के अंदर, बिलीव्स के अंदर, लोगों की सोच, उनके तौर तरीके कितने चेंज हुए हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवट ईजियर टू डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड्स। तो इस समय क्या था, कुछ टाइम पीरियड्स जो हैं डिवाइड कर दिए गए, समय में बांट दिया गया अलग अलग, जैसे आज का क्या कहते हैं हम, आज कल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो उस समय क्या था, हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इन्होंने ये 3 टाइप्स दिखा दिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का समय। दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज।
and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. तो इसके आधार पे तो सिर्फ क्या है, हिस्टोरिकल चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पर हिंदू लोग शासक थे, यहाँ पर मुसलमान थे और यहाँ पर ब्रिटिश. इसके अलावा इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, इनमें से किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. इस चीज़ को नहीं देख रही है कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, कल्चर में क्या चेंज आ रहा है, वो चीज़ ध्यान में नहीं आ रही इनके. द हिस्टोरियंस यू विल स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवल. जो हिस्ट्रीज अभी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, मिडिवल हिस्ट्रीज है. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, समटाइम्स एट द कोस्ट ऑफ पेस्टल एंड फॉरेस्ट पीपल. तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पता लगेगा किसानों के बारे में, जो उनके समाज था, उन सब चीज़ों के बारे में. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स, ये दो मुख्य धर्म यहाँ पर आए. एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और यूरोपियन कंपनीज आई थी जब यहाँ पर. दीज थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस. तो इस 1000 साल के अंदर हमने देखा काफ़ी सारे चेंजेस आए, इतिहास इसका गवाह है. आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th. तो ये दो जो हैं 16वीं और 18वीं शताब्दी जो है ना, वो बिल्कुल अलग थी 8वीं और 11वीं से. द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड. अब मिडिवल पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड क्या करता है, मॉडर्निटी, आधुनिकता के ऊपर जा रहा है. कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मटेरियल प्रोग्रेस हुए, नई नई चीज़ें आई और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, बौद्धिक रूप से लोगों की सोच में भी जो है वो भी चेंजेस आए हैं. ड्यूरिंग दीज थाउजेंड ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड ए लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो इन 1000 सालों के दौरान सोसाइटीज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई, उनमें चेंजेस आए, इकोनॉमीज जो थी उनकी वो भी प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे आ गई, अच्छी फली फूली. दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और इसी को देखते हुए यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए. एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क. और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो यहाँ पर हुए हैं या चेंजेस जो यहाँ पर आए हैं, कहाँ कहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन इज कंप्लीट. थैंक यू.